गाइज, कुछ दिन पहले ही सैमसंग ने गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन को इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया था। अब गाइज फाइनली इस स्मार्टफोन को BIS सर्टिफिकेशन रिसीव हो चुका है और BIS के अलावा गाइज इस स्मार्टफोन को Geekbench और FCC सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया जा चुका है, जहां पर से इस स्मार्टफोन के ऑलमोस्ट सभी स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो चुके हैं और इस स्मार्टफोन की कुछ लाइव इमेजेस और प्राइसिंग की भी डिटेल्स निकल कर सामने आ चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन, इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो उम्मीद है कि गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही कमाल की टेक वीडियोज मिलती रहे। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन के बारे में। तो गाइज रिसेंटली ही इस स्मार्टफोन के कुछ रेंडर्स निकल कर सामने आए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये स्मार्टफोन बिल्कुल सेम गैलेक्सी A52 4G स्मार्टफोन के जैसा ही होने वाला है। कोई भी चेंजेस गाइज हमें इस इमेजेस में देखने को नहीं मिलता। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी। साथ ही गाइज आपको डिस्प्ले में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और लेटेस्ट इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो गाइज डिस्प्ले को लेकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इस स्मार्टफोन के साथ में, जहां पर आपको डिस्प्ले में काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ में काफ़ी अच्छी ब्राइट डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है। वहीं कैमरे सेक्शन की बात की जाए तो गाइज लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस स्मार्टफोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें बिल्कुल सेम गैलेक्सी A52 4G स्मार्टफोन के जैसा ही मिलने वाला है। यानी कि इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी होगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, बाकी जो दो सेंसर होंगे वो होंगे 5.5 मेगापिक्सल के, एक होगा डेप्थ सेंसर, दूसरा होगा मैक्रो लेंस। वहीं सेल्फी के लिए गाइज आपको इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो गाइज कैमरे में आपको जो है कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर सामने आ रही थी कि गाइज इस स्मार्टफोन में मैक्रो लेंस की जगह पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा, बट गाइज अब जो है कंफर्म हो चुका है कि इस स्मार्टफोन में जो कैमरा मॉड्यूल है गाइज वो हमें बिल्कुल सेम गैलेक्सी A52 4G 5G स्मार्टफोन के जैसा ही मिलने वाला है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि आएगी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। वहीं अब डिस्प्ले, कैमरे और बैटरी के बाद में बात की जाए इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो गाइज इस स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि एक 5G और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। तो गाइज परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफ़ी कमाल की होने वाली है, साथ ही गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट होने वाला है और जो इस स्मार्टफोन का पावर कंजप्शन है गाइज वो भी आपको जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो गाइज परफॉर्मेंस के मामले में आपको जो है इस स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज ये कुछ मेन हाइलाइट्स फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं। वहीं अब कुछ अदर्स फीचर्स के बारे में बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, नॉक सिक्योरिटी, USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, 3.5 mm का हेडफोन जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, IP67 रेटिंग और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये सभी कंफर्म फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। वहीं लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB प्लस 128GB, इसकी प्राइस हमें 33 से 34 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है और इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च है गाइज वो हमें सेप्टेम्बर के सेकेंड वीक तक देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये थी सैमसंग की अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A52s 5G की अब तक सामने आई सभी डिटेल्स। तो उम्मीद है कि गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कमाल की टेक वीडियोज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।